जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। नवरात्रों की शुरुआत हम घट स्थापना से करते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि घट स्थापना के द्वारा हम सप्त देवी देवताओं को आवाहन करते हैं और उनसे हम विनती करते हैं कि आप हमारी इस पूजा को हमारे ईष्ट तक पहुंचाइए। तो आइए जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार हमको घट स्थापना करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको चौकी पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उस वस्त्र के ऊपर आपने अपनी बाईं तरफ यानी कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड में घट स्थापना करनी है। आप जानते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं? हम राइट साइड में घट स्थापना क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो हमारे शरीर का सीधा हिस्सा होता है, जो हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट होता है, वो सूर्य को बिलोंग करता है, वो अग्नि को बिलोंग करता है, और जो हमारे शरीर का लेफ्ट साइड होता है वो चंद्रमा को बिलोंग करता है। और घट स्थापना में हम जल का प्रयोग करते हैं, इसलिए घट स्थापना आपको हमेशा अपनी बाईं तरफ और माता रानी की दाईं तरफ करनी चाहिए। तो अब आपको करना क्या है? आपको मिट्टी का एक पात्र लेना है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी भरनी है। मिट्टी भरने के बाद उसमें आपने जल छिड़क देना है। जल छिड़कने के बाद आपको उसमें जौ डाल देने हैं। जल आप इतना छिड़किएगा कि उसमें नमी बनी रहे। इसके पश्चात आपने अब घट स्थापना करनी है। घट स्थापना के लिए आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी का कलश ही क्यों लेना है? क्योंकि ये चैत्र के नवरात्रे हैं। आप में से ही किसी ने एक सवाल किया मुझसे कि हम तांबे का कलश ले सकते हैं क्या, क्योंकि तांबे का कलश तो बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, तांबे का कलश पूजा में स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन चैत्र के नवरात्रों में आपको कभी भी तांबे का कलश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तांबा जो कि अग्नि धातु में आता है और चैत्र के नवरात्रे आपने देखा है गर्मियों का टाइम होता है, गर्मी का समय होता है। आप जो भी वस्तु चौकी पर रखते हैं या भोग लगाते हैं, आप अपने ईष्ट को दे रहे हैं, इसलिए चैत्र के नवरात्रों में आप कोशिश करिए कि आप या तो मिट्टी का या फिर चांदी के कलश का ही इस्तेमाल करें। मिट्टी का कलश लेकर आपने उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उसमें जल और गंगा जल मिलाना है। फिर इसमें आपको दो लौंग डालनी है, दो इलायची डालनी है, थोड़े से चावल डालने हैं जो कि टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ब्राउन राइस तो गलती से भी मत डालिएगा, क्योंकि ब्राउन कलर राहु का कारक माना जाता है। चावल के साथ में आपको दो सुपारी डालनी है और थोड़ी सी हल्दी डालनी है और एक का सिक्का डालना है। अब आप कहेंगे कि मैम एक का सिक्का ना हो तो आप 5 का सिक्का डाल लीजिए, आप 10 का सिक्का डाल लीजिए, लेकिन आप लक्ष्मी स्वरूप उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर डालिए। लक्ष्मी जी चाहिए ना हम सभी को। आप जो भी घट के अंदर सामग्री डालते हैं वो सारी चीज़ें आप माता रानी से मांगते हैं कि हमें ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो, इसलिए हम सबसे पहले आपको ये सारी वस्तुएं दे रहे हैं, क्योंकि लेने से पहले देना पड़ता है, वो ऊपर वाला आपके भाव भी तो देखता है। तो ये सब स्थापित करने के बाद में आपको 5 या 7 आम के या फिर अशोक के पत्ते लगाने हैं कलश के ऊपर। इसके बाद में एक श्रीफल लेना है, उस पर हल्दी से आपको तिलक लगाना है और फिर इस श्रीफल को लाल रंग के कपड़े में लपेट दीजिए। कपड़ा नहीं हो तो लाल रंग की चुन्नी में लपेट दीजिए और फिर कलावा लेकर इस पर आपने 3 बार कलावे को लपेट कर 5 गांठ लगानी है। और इसी तरह आपने जो खेत्री बीजी है, खेत्री लगाई है, उस पर भी
तीन बार कलावा लपेट कर पांच गांठ लगानी है। इसके पश्चात आपकी घट स्थापना पूर्ण हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घट स्थापना शुभ मुहूर्त में होनी बहुत जरूरी होती है। एक तो होता है कि किसी भी कार्य को सिर्फ कर देना, और एक होता है किसी भी कार्य को सही एक अच्छे शुभ मुहूर्त में करना। क्योंकि अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत एक शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपको उसमें विजय जरूर मिलती है, आपका काम जरूर संपन्न होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से शुभ मुहूर्त हैं। सबसे पहले जो शुभ मुहूर्त है वो बनता है मेष लग्न में। इसकी शुरुआत होती है 6:50 से लेकर के 8:20 तक। मेष लग्न का ये शुभ मुहूर्त आपकी घट स्थापना के लिए बहुत जरूरी है, और खास तौर से उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको जॉब में अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही हैं, जिनके रिश्ते अपने बॉस के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं। तो आप घट स्थापना इसी शुभ मुहूर्त में करिए। दूसरा शुभ मुहूर्त बनता है मिथुन लग्न में। ये मिथुन लग्न की शुरुआत होती है 11:30 से लेकर के 12:30 तक। इससे पहले का जो समय है वो होता है राहु काल का। तो आप कोशिश करिए कि 10:30 तक घट स्थापना बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो राहु काल है और राहु काल में किया हुआ कार्य कभी भी संपन्न नहीं होता है। तो या तो आप मेष लग्न में घट स्थापना करिए या फिर आप मिथुन लग्न में घट स्थापना करिए। मिथुन लग्न में घट स्थापना में एक और खास बात है, और वो है कि उस बीच में पड़ेगा अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त यानी कि श्री हरि विष्णु का मुहूर्त। तो ये दो जो मैंने आपको समय बताए हैं ये घट स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम समय है। तो कोशिश करिए आप इन दो समय में ही, इन दो लग्नों में ही आप घट स्थापना करिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊंगी और नई जानकारियां नवरात्रों को लेकर। जय माता दी।